पर्यावरण बचाओ अभियान को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के लोगों को एक पेड़ लगाओ और 5 यूनिट बिजली मुफ्त में पाओ की घोषणा की है। लेकिन घोषणा के कुछ घंटे बाद धनबाद स्थित BCCL एरिया 7 में हजारों पेड़ों की कटाई की तैयारी में लग गई है, जिसके खिलाफ ग्रामीण एकता मंच पदयात्रा और 24 घंटे धरने के माध्यम से पर्यावरण बचाने की मुहिम में जुट गई है। इस अभियान में स्थानीय लोग भी शामिल हो गए हैं। होने वाली है उसके रक्षा के लिए 24 घंटे का धरना ग्रामीण एकता मंच के द्वारा दिया जाएगा। यथा आप सभी तमाम साथियों से, व्यापारी बंधु से आग्रह होगा कि इस मुहिम में अपना योगदान और समर्थन दे। आपको बता दें कि धनबाद में पुटकी के जंगलों के बीच में बैठकर अनोखे तरीके से पीताम्बरी और कफन ओढ़कर 24 घंटे के लिए धरने पर बैठ गए। धनबाद जिले में बढ़ते प्रदूषण को लेकर विशेषज्ञों ने पहले ही आगाह कर रखा है। कोरोना काल में ऑक्सीजन का क्या महत्व है, ये पूरे देश के साथ साथ कोयलांचल ने भी देखा है। ऐसी परिस्थिति में BCCL प्रबंधन की ओर से पेड़ों की कटाई धनबाद के पर्यावरण हित में नहीं है। ग्रामीण एकता मंच के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में धनबाद के केंदुआ से होते हुए चिल्ड्रन पार्क तक पदयात्रा निकालकर BCCL की ओर से पेड़ कटाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आज पद यात्रा और धरना पे बैठे हुए हैं कि BCCL के द्वारा जिस स्थल पर धरना दिया जा रहा, यहाँ पर लाखों वृक्ष है और इसकी नंबरिंग करके BCCL के द्वारा काटा जा रहा। इससे पहले BCCL के द्वारा करके नेहरू पार्क के पास में 62,000 वृक्ष काटे गए, 62,500 वृक्ष काटे गए और उक्त स्थल की भी मैंने RTI से जानकारी प्राप्त करके और जितने ऊंचे ऊंचे अधिकारी हैं सभी को मैंने कहा, उसके बाद भी इनके द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। अभी 13 नंबर और 17 नंबर के में जहाँ पे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ पे लाखों हरे भरे वृक्ष है और BCCL की इतनी गंदी साजिश है कि आप देखिएगा, एक पेड़ पे नंबरिंग किया है, दूसरे पेड़ को छोड़ दिया है, फिर तीसरे पेड़ पे नंबरिंग किया है। मुख्यमंत्री एक पेड़ पर 5 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर BCCL की ओर से 2 लाख पेड़ों की कटाई के खिलाफ जंगल में कफन ओढ़ प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके बाद अब देखना है कि क्या अब सरकार इस पर कोई एक्शन लेती है या फिर पेड़ों को बचाने के लिए लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। पंजाब केसरी TV के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।